श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल शुभ समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ, कुछ जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जो हमें पता नहीं लगती हैं और वे हमें बाद तक परेशान करती हैं। हमारे घर में धन संपदा की कमी होने लगती है, बीमारी आने लगती हैं, परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। क्या करें हम? कैसे पता लगाएं क्या हमारे घर में कुछ परेशानी है या हमारे वास्तु दोष है? तो आज मैं उसी पे चर्चा करूंगी। सबसे पहली बात कि एक या दो से चाकू कभी भी हमारी रसोई घर में एक या दो से चाकू कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, नकारात्मकता आती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। कभी भी सुबह को चाकू और छुरी कभी नहीं देखने चाहिए सुबह सुबह, उससे भी हमारे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। घर में कभी भी कांटेदार पौधे जैसे नागफनी का खास वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ब्रांड पौधा है, वीरान जी का पाया जाता है। और कांटेदार पौधे हमें कभी भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक नहीं होते हैं, ये हमारे पति पत्नी के संबंध में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करते हैं। अगर आपके घर में कोई कांटेदार पौधा है उसे तुरंत बाहर कर दीजिए। मासिक धर्म में पौधों में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसा जी में, क्योंकि क्या होता है मासिक धर्म में पौधे डालने से हमें बहुत ज़्यादा धनहानि हो सकती है और हमारे घर में नकारात्मकता का जन्म हो सकता है। इसलिए घर में कभी भी टूटे ईंट पत्थर भी नहीं होने चाहिए, जैसे बच्चे करते हैं छत पर, फ्लोर पर कहीं भी ईंट गिर देते हैं तो उसके टुकड़े जो हो जाते हैं वो भी नहीं होने चाहिए, उन्हें भी साफ़ कर देने चाहिए। या कोई खाट हमारे अगर टूटी हुई है वो भी नहीं होनी चाहिए, ये एक अकाल मृत्यु, हमारे घर में कोई अकाल मृत्यु होने का खतरा हो जाता है। पुराने टूटे बर्तन, टूटी घड़ी भी कभी नहीं होनी चाहिए। टूटे बर्तन हमारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लाते हैं, हमारे घर में धन की कमी हो जाती है, माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी घड़ियां नहीं होनी चाहिए। और हमारे घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जालों से क्या होता है, हमारे घर में संपन्नता सारी खत्म हो जाती है और धन हानि होने लगती है। मेहंदी और अमरूद का पेड़ कभी भी घर में नहीं होना चाहिए, अगर घर में है तो उसे तुरंत बाहर लगा दें, उससे भी धनापत्ति हो जाती है, परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। खुशबू वाले पौधे कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए, घर में लगाने से हमारे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। पीपल का भी पौधा नहीं लगाना चाहिए, अगर जिगे जिगे पीपल का पौधा उग गया है तो उसे आपको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि पीपल का पौधा अच्छा नहीं माना जाता है घर में रखना, और ये सिर्फ पूजन के लिए होता है, तो वो भी पौधा नहीं पेड़ की पूजा होती है, जो सिर्फ मंदिर या मंदिर से थोड़ी दूरी पर हो, ये घर में नहीं होना चाहिए। और सूखी तुलसा जी, जैसे तुलसा जी सूख जाती हैं कभी, उनको तुलसा जी को भी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे कहीं मिट्टी में गाड़ देना चाहिए या सिरा देना चाहिए। केले के पौधे को भी घर में नहीं रखना चाहिए, अगर घर में आप रख भी रहे हैं तो केले का पौधा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा पौधा लगा सकते हैं आप। झूठे बर्तनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, झूठे बर्तन छोड़ने से हमारे धन संपदा में हानि होती है, बर्तन हमें गालियां देते हैं, तो झूठे बर्तनों को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, माँ अन्नपूर्णा की दृष्टि हमेशा हमारी रसोई पर रहती है कि ये रसोई में साफ अगर रसोई रहती है तो माँ अन्नपूर्णा हमेशा वास करती हैं, हमारे घर हमारी रसोई में अन्न की कमी नहीं रहती है, भंडार भरे रहते हैं। रसोई घर में हमेशा माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर लगाएं पूर्व दिशा की ओर, उससे माँ का आशीर्वाद हमारी किचन हमारे भंडार में भरा रहता है। पति पत्नी के कमरे में कभी भी गैर व्यक्ति नहीं आना चाहिए, क्योंकि गैर व्यक्ति आने से या गैर चप्पल जूते अगर कोई व्यक्ति लेकर आ रहा है पति पत्नी के कमरे में, वो भी हमारे पति पत्नी के संबंध में परेशानियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए गेस्ट रूम में लेके जाएं, पति पत्नी के कमरे में कभी भी गैर इंसान को नहीं आना चाहिए। और गुरुवार को कभी पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार को पोछा लगाने से गुरु रुष्ट हो जाते हैं, उससे हमारे घर की जो धन की तरक्की है वो हमारे पति की तरक्की रुक जाती है। हमें कभी भी गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए, बाल धोने से भी हमारे पति की अकाल मृत्यु का खतरा रहता है, तो ये नहीं धोने चाहिए।
और कभी भी हमें रात को 12 बजे आईना नहीं देखना चाहिए और कभी भी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है 12 बजे नकारात्मकता, नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत शक्तियाँ हैं, उनकी पावर चौगनी हो जाती है और वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो कभी भी 12 बजे आईना नहीं देखना है और ना ही परफ्यूम लगाना है। रोटी बनाने के बाद जैसे गर्म तवे पर पानी डाल देते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो राहु दोष को उत्पन्न करता है और हमारे मियाँ बीबी के झगड़े आपस में बढ़ाता है। आपको कभी भी रोटी बनाने के बाद गर्म पानी तवे पर नहीं डालना है। चकला बेलन हमेशा साफ रखें, गंदे कभी नहीं रखें। जितने भी डब्बे गंदे हो रहे हों आप उन्हें धोकर रखें। अगर गंदे डब्बे रहेंगे तो हमारे घर में नकारात्मकता आती रहेगी। किचन को हमेशा बिल्कुल साफ करके रखें। कपड़े कभी भी तुलसा जी के आगे कपड़े नहीं सुखाएं, क्योंकि तुलसा जी के आगे अगर कपड़े सुखा देते हैं तो या तो वो सूख जाती हैं या हमें पाप तो चढ़ता ही है और वो सूख जाती हैं। मंदिर को हमेशा साफ करके रखें। खंडित मूर्ति कभी ना रखें। अगर खंडित मूर्ति हमारे घर में रहेंगी तो हमेशा संपदा की हमें कमी बनी रहेगी। सूर्यास्त के समय कभी सोना नहीं चाहिए, कभी भी हमें गंदी गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। सूर्यास्त के समय हमें कभी किसी को धन भी नहीं देना चाहिए, ये क्योंकि राहु दोष लगता है। सूर्यास्त के समय कभी भी सिर पकड़कर नहीं बैठना चाहिए या बेड के सिरियाने नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे घर में नकारात्मकता आती है। और कभी सूर्यास्त के समय रोना भी नहीं चाहिए, इससे हमारे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। भगवान कृष्ण स्त्री को भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्त्री को भला बुरा कभी नहीं कहना चाहिए, गिला शिकवा कभी नहीं करना चाहिए। अगर मियाँ बीवी में आपस में कभी लड़ाई हो गई हो तो ज़्यादा टाइम तक हमें लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए, हमेशा प्यार करना चाहिए। रोज़ मियाँ बीवी को अपने प्यार से रहना चाहिए, तभी माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और कभी भी कटे फटे नोट लॉकर में कभी नहीं रखने चाहिए। अगर कटे फटे नोट लॉकर में हैं उसे तुरंत निकाल देने चाहिए, इससे धनहानि होती रहती है और गरीबी उत्पन्न हो जाती है और भगवान का वास बना रहता है। कभी भी दूध और तेल गिरना नहीं चाहिए। अगर दूध और तेल हमारे हाथ से गिर जाता है तो ये भी गरीबी का सामना, आने वाले समय में गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर बिल्ली हमारे घर में रोती है रात के समय तो राहु का वास उत्पन्न हो जाता है, इससे और ज़्यादा हमें खतरा रहता है अकाल मृत्यु का। तो अगर चमगादड़ हमारे घर के आसपास मंडरा रही है तो वो भी हटा देनी चाहिए। अगर कोई उसने बिल बना लिया है चमगादड़ ने, वो भी हटा देना, बंद कर देना चाहिए, जिससे वो आए नहीं, क्योंकि इस चमगादड़ को मनहूस माना जाता है और कोए को भी सही नहीं माना जाता, कौओं को भी घर में नहीं आने देना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आपको कोई कमेंट्स में कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।